राहुल, नाम तो सुना ही होगा। बॉलीवुड की किंग खान शाहरुख खान का यह सिग्नेचर डायलॉग है, लेकिन यहां बात हो रही है कमबैक राहुल की, क्रिकेट की राहुल की। वो राहुल जो वापसी कर रहा था, लंबे समय बाद ब्लू जर्सी पहन रहा था। मंच एशिया कप का था तो दबाव लाजिमी था, लेकिन इस राहुल ने मौके को बखूबी भुनाया, पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाया। 106 गेंदों में नाबाद 111 रन कूट दिए, 12 चौके, 2 छक्के उड़ाए, विराट कोहली के साथ मिलकर 233 रन की साझेदारी की और भारत को उसके पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में सर्वोच्च स्कोर तक पहुंचा दिया। राहुल आईपीएल 2023 में चोटिल हो गए थे, इसके बाद उनकी सर्जरी हुई। 172 दिन बाद कोई वनडे खेलने वाले केएल राहुल की एशिया कप में वापसी हुई तो पाकिस्तान के खिलाफ किस्मत ने उनको दगा देते देते साथ दे दिया। दरअसल टॉस से ठीक पहले इंजर्ड होते हैं श्रेयस अय्यर, जिनकी जगह प्लेइंग 11 में केएल राहुल की एंट्री होती है। पहले वो टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाद में संजोग की वजह से वो टीम में एंट्री पाते हैं और इस मौके को बखूबी दोनों हाथ से भुनाते हुए उन्होंने शतक जड़ दिया। केएल राहुल के वनडे करियर का ये छठा शतक है। उन्होंने शुरुआत जरूर धीमी की थी, लेकिन फिर लय में आ गए। 60 गेंद पर 50 ठोकने वाले राहुल ने 100 गेंदों पर शतक पूरा किया। भारतीय पारी के 47वें ओवर में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। ओवर की आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर वो 100 रन तक पहुंचे और कोहली के साथ दोहरी शतक की साझेदारी भी निभाई। केएल राहुल ने अपनी इस पारी के साथ कई सवालों के जवाब दे दिए, कई आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। दरअसल केएल राहुल की टीम में होने पर सवाल उठ रहे थे, कई मैच में तो उन्हें खेलना भी नहीं था। कई लोगों को यूं मानना था कि राहुल को सीधे एशिया कप में शामिल नहीं करना चाहिए था। संजू सैमसन को जगह देने की लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने राहुल पर भरोसा जताया और वो इस पर खड़े उतरे हैं। इस शतक से प्लेइंग 11 में उन्होंने अपनी जगह भी पक्की कर ली है। केएल राहुल इस मैच में 111 रन बनाकर नाबाद रहे, यह उनके वनडे करियर की दूसरी सबसे बड़ी पारी है। 106 गेंद पर राहुल ने 12 चौके और 2 छक्के मारे, विराट कोहली के साथ तीसरे विकेट के लिए 233 रन की नाबाद साझेदारी की। यह एशिया कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी भी है। भारतीय टीम ने इस तरह 2 विकेट पर 356 रन बनाए और विराट कोहली 122 रन बनाकर नाबाद रहे। यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर भी है। आपको बताना जरूरी है कि आज यानी सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच रिजर्व डे में मैच चला गया। इसके पहले मैच रविवार को ही शुरू हुआ था, लेकिन बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया था। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस चुनौती पर किस तरीके से पार पा पाता है और भारत का वनडे वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन क्या गुल खिलाता है। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए अंशुल तलमल की रिपोर्ट।